फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे। उम्मीद करती हूँ कि बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। और शाम के बज रहे हैं 7:30 और हम यहाँ कर रहे हैं गेहूँ साफ। तो इधर देख लीजिए, आज मैंने गेहूँ धोई थी और साफ की थी। मैंने इधर एक बाल्टी करके इधर ढकती हूँ, मतलब बाल्टी में करूँ। अब इधर मैं शुरू की हूँ रखना। और बहुत देखिए, बहुत ही प्यारा मौसम है। शाम के टाइम मैं 7 बजे से आई थी यहाँ साफ करने के लिए, और थोड़ा सा हवा हो गई थी दिन भर। तो आज मेरे मुंह देख रही कैसे हो गए अजीब जैसे, और खुजली भी हो रही है आँख में, तो बहुत ज़्यादा हो रही क्योंकि मैंने सारे दिन वहाँ गेट पे बैठ के बताती हूँ, वहाँ पे गेट पे बैठ के, और मैं सारे दिन यहाँ देखती रही कि कबूतर गेहूँ ना खा जाए, क्योंकि जितना सूखता नहीं उससे ज़्यादा मेरे कबूतर गेहूँ खा जाते हैं। तो इसके कारण मुझे गेहूँ उगाना पड़ा। बैठी रही और देखती रही कि गेहूँ कबूतर ना खा जाए। और अब मैं आई हूँ, कितने 5:45 बजे मैं इसको समेट के चली गई थी 5:45 पे, और मैं चाय पानी पी के आराम करके अभी आई हूँ। तो मैं यहाँ पे गेहूँ अब साफ करने लगी हूँ, और मैं साफ करके अब रख देती हूँ। उसके बाद मेरे को गेहूँ भी आटा ख़त्म है तो उसको पिसवाना भी है, इसलिए मैंने साफ की। और 2 दिन बहुत ही अच्छा धूप हुई थी, इसलिए मैं कल धोई थी, और कल और आज का धूप लगा कि बहुत सूख अच्छे से सूख गए हैं इसको। अब मैं इसको शाम को तो आएंगे मेरे हस्बैंड तो ले जाएंगे मिल पिसाने के लिए, तब इसलिए मैंने फटाफट इसको साफ़ कर दी। और बस थोड़ी सी बची है, शाम भी हो रही है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ। आप लोग प्लीज़ प्यार दीजिए, प्यार सपोर्ट कीजिए, और शॉर्ट वीडियो के भी प्यार सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है, आप लोग पता है कि घर में भी काम करना और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मेहनत की काम है, आप लोगों को पता है सब कुछ। तो प्लीज़ आप लोग इस बहन की, इस भाभी को सपोर्ट कीजिए, और जितना हो सके आप लोग हमें साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए। बहुत मेहनत करती हूँ तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता है घर और बाहर में। तो क्या बोले, तबीयत भी ख़राब रहती है, फिर भी करती हूँ कि कुछ तो मतलब हो। पर 1 साल हो गया अभी तक मेरे चैनल मोनेटाइज तक नहीं हुई है। इतनी मतलब टेंशन हो जाती है ना, कोई काम करो उसका रिस्पांस अच्छा ना हो तो टेंशन होती है। 1 साल हो गए मुझे और अभी तक मेरी चैनल मोनेटाइज नहीं हुई। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें और मेरे चैनल को मोनेटाइज कर दीजिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे। और इतना आ गया हूँ तो मैं इसको सफाई कर लेती हूँ। और सूर्य देव भी इधर देख लीजिए लाल हो चुके हैं और डूब चुके हैं, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ कि फिर बाद में दिखेगी भी नहीं, शाम हो रही है। तो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एलवर्ट में, और गुड इवनिंग। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। बाय बाय दोस्तों।